डिबूटर, कई सपने कई अरमान लेके जो आज फील्ड में उतरते हैं, कई कंपनियां उनके साथ धोखेबाजी करके उनके सपनों को बिखेर जाती है। वो जब फील्ड में आते हैं अपने भरोसे, अपने ट्रस्ट, अपने सपनों को अपने अप्लाइंट के समर्पित करते हैं और कंपनी पे, लेकिन धीरे धीरे वो कंपनी अपनी ग्रोथ के हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ कर जाती है। कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर के सपनों में जो खेद होना चाहिए, जो सपने होना चाहिए, वो अप्लाइंट देख नहीं पाते। एक अप्लाइंट सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मन चाहे हिसाब से वो यूज़ करते जाता है। कुछ कहने का नहीं होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर पागल की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पीछे पीछे भागता है और जैसे ही सपने बिखर जाते हैं वो डिसाइड करता है कि वो इस काम पे सफल नहीं हो पाया तो उसके पास बचा ही क्या सुसाइड करने के अलावा। जो आज एक बहुत ही आम बात हो गई है कि सपने ना पूरे हो जाने पे वो कहीं ना कहीं अपने सपनों को पीछे भागते हैं और सपने उन्हें दूर 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 बहुत दूर जाते देखते हैं। वो डिसाइड कर लेता है कि वो जिंदा नहीं रहेगा। घर के प्रेशर, सारे लोगों के प्रेशर और अपनी सोसाइटी का प्रेशर वो झेलते हुए ये डिसाइड कर लेता है कि एक दिन जिस तरह मैं जन्मा था, इस पृथ्वी में आया था, इस नेटवर्क के वर्ल्ड में आया था, मैं अगर यहाँ कुछ नहीं कर पाता हूँ तो मेरा और कुछ कह नहीं हो सकता है। और इसी सोच को लेके एक दिन वो अपने सपनों को लेके अपनी गुड़ली को बांधता है और सारी दुनिया को अपने दिल से सलाम कहते हुए कहता है, अलविदा दोस्तों, मैं इस काम पे अगर सफल नहीं हो पाया, इस नेटवर्क फील्ड में अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो मैं कहीं नहीं हो सकता, अलविदा।